हालांकि देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ आपके जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस पैक फूड खाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। एक तो आपको इनको बंद करना पड़ेगा, आप फौरन बंद नहीं करते हैं तो कम से कम धीरे धीरे इनको कम कर दें और नमक की मात्रा आप अपने भोजन में कम कर लें। उसके अलावा आप डेली एक रूटीन बना लें, कम से कम आधा घंटा आप अपने आप को देंगे जिसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या आप छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ें तो ये बहुत ज़रूरी हैं जो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और अगर साथ में आप ये जूस और स्मूदी मिला देते हैं तो ये हो जाएगा सोने पे सुहागा और आप देखेंगे कि आपको कैसे अल्टीमेट और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं इस स्मूदी और जूस को इस्तेमाल करने के बाद। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसकी सामग्री क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला होता है टमाटर, दूसरा आपको लेने चाहिए कुछ तुख्म जिनको हम बीज कहते हैं, जैसे कद्दू और तरबूज और ककड़ी और खीरे के बीज आराम से आपको पंसारी की दुकान पर ही मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको चाहिए लेमन, एक नींबू, दो तीन चार आपको पुदीने के पत्ते चाहिए और एक छोटा आपका अदरक का टुकड़ा आपको लेना होगा और साथ में आपको चाहिए होंगे एक से दो गाजर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ गाजर, अगर छोटी गाजर है तो दो गाजर ले लें और अगर बड़ी गाजर है तो एक गाजर भी आपके लिए काफ़ी होगी। एक्चुअल में जो टमाटर है, टमाटर के अंदर देखिए पिगमेंट्स होते हैं जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज लेके आते हैं और आर्टरीज को हील करने के अंदर उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। टमाटर के अंदर पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लाइकोपीन भी इसके अंदर होता है और इसके अंदर डायुरेटिक्स प्रॉपर्टी होती है यानी कि पेशाब को ज़्यादा लाता है और अगर ज़्यादा पेशाब आता है तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। दूसरा गाजर, गाजर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है विटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो आपकी आर्टरीज की हेल्थ को, हार्ट की हेल्थ को बना के रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उसके अलावा जो हमने बात की कुछ तुख्म और बीजों की, जैसे खरबूज तरबूज के बीज हैं, इनके अंदर डायुरेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं, ओवरऑल आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस जूस को, इस स्मूदी को बनाए कैसे, बनाने का तरीका क्या है। देखिए सिंपली आपको दो टमाटर लेना है, आपको एक से दो गाजर लेनी है, एक आप नींबू ले लेंगे, छोटा सा एक टुकड़ा आप अदरक का ले लेंगे, उसको छील लीजिएगा, साथ में कुछ 10 ग्राम आप तरबूज खरबूज या ककड़ी के जो भी आपको मिल जाते हैं मिक्स आप बीज ही ले लीजिएगा और साथ में आप दो तीन पुदीने के पत्ते ले लीजिए। अब आप इन सबको आप एक ब्लेंडर में, ग्राइंडर में डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स बन जाए लाइक ए स्मूदी तो आप इसको आप ले लीजिए, इसको छानना नहीं है, इसको आपको ऐसे ही गिलास में या बर्तन में निकालना है और इसमें आपने अगर नींबू का जूस पहले से मिला दिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसमें आप एक नींबू का या आधे नींबू का अपने स्वाद के अनुसार इसमें नींबू का रस मिला दीजिए। ये एक तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, आप अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद के लिए, हल्का फुल्का डाल देंगे तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है और आप इसको रोज़ाना सुबह खाली पेट नाश्ते से 15 मिनट पहले इस्तेमाल करें, शाम को भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दो बार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को अगर आप लेंगे तो करीब 4 बजे के आसपास इसको लेंगे, आप देखेंगे अगर आपने लगातार इसको 1.5-2 महीने इस्तेमाल कर लिया तो एक तो आपकी सेहत सुधर जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और इससे आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज लेके आता है, इसके अंदर डायुरेटिक प्रॉपर्टीज हैं तो आपकी किडनी के फंक्शंस को ठीक करता है, आपके लीवर के फंक्शन को ठीक करता है, आपके डाइजेशन को ठीक करता है, ओवरऑल आपकी कार्डियक हेल्थ को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, तो आपको हार्ट अटैक के खतरे से भी बचाता है और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से भी बचाता है। ये एक लाजवाब जूस और स्मूदी है, आप इसको लगातार इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।